मेशरन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 और अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं अपने अंतिम परिणामों के लिए। यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति देख सकते हैं कि सरकारें आती जाती है, वादे करती है रोजगार देने के, परंतु इस प्रकार से बेरोजगारों को सड़क पर देखना अत्यंत निंदनीय है। आप देख रहे हैं कि जहाँ टेंट में बच्चे रह रहे हैं, सड़कों पर अपनी रातें गुजार रहे हैं, जो अभ्यर्थी नौकरी डिजर्व करते थे, ऑफिस में बैठना डिजर्व करते थे, आज वो सड़कों पर बैठ रहे हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, गलती चाहे किसी की भी हो, परंतु उसके बावजूद अभ्यर्थियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। JRT 817 के अभ्यर्थी आप देख पा रहे हैं शिमला के चौड़ा मैदान से, ठंड बारिश बर्फबारी उसके बाद भी अभ्यर्थियों के हौसले बुलंद है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अभ्यर्थी इतनी ठंड में भी हौसले को बुलंद करके यहाँ पर रह रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष जारी रख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे किस प्रकार का प्रबंध इन्होंने किया है, अपने शूज को छुपाया हुआ है, खाने का सामान किनारे पे पड़ा है, परंतु नहीं सुन रही है तो सरकारें, बाकी सभी यहाँ पर ठंड में ठिठुर रहे हैं, सरकारों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ठंड में सारा सामान जो इन्होंने थोड़ा सा व्यवस्थित किया है त्रिपाल के अंदर डालना पड़ रहा है। क्या कारण है कि बेरोजगारों को सड़कों पर रहना पड़ रहा है? सरकारें चाहे किसी की भी हो, बेरोजगारों का सिर्फ शोषण हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति के लिए बेरोजगारों का यूज़ हो रहा है, परंतु जब बात रोजगार देने की आती है तो सभी सरकारें मुंह फेर लेती है। आप देख रहे हैं कि